झांसी में छेड़खानी के दर्ज मुकदमे में फर्जी बताए हुए झांसी में छेड़खानी के दर्ज मुकदमे में फर्जी बताते हुए युवक के परिजनों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ये मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 इलाके का है। यहाँ रहने वाली दर्जनों महिलाएं सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। इन महिलाओं ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में बताया कि मोहल्ले में ही रहने वाली एक युवती ने अपने मामा व मां के साथ मिलकर युवक के खिलाफ छेड़खानी का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि घटना के समय युवक काम पर था। पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के युवक को काम से लौटते वक्त गिरफ्तार कर लिया। प्रार्थना पत्र में इस मामले की निष्पक्ष जाँच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और उसके मामा ने मिलके मेरे बच्चे को फंसाया गया है। मेरा बच्चा इस मैटर में किसी में नहीं है। क्या मामला था, किस बेटे को फंसाया हुआ? लड़की की छेड़खानी लगा दी उसके पास। मेरा बच्चा काम करके घर आया था, घर से उठा लिया गया। कब की बात है जी? 2 तारीख की। अच्छा, अभी तक कहां का शिकायत कर चुकी है? सब जगह शिकायत कर ली, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस के पास गई थी? पुलिस के पास गए तो पुलिस वाले कह रहे लड़की की सुनाई जाएगी, लड़के की नहीं जाएगी। साहब, ये फ्रेंड बिल्डिंग का मामला है। जिसका जो भी कुछ भी है, हमारे बच्चे लड़के के साथ कोई भी प्रूफ मिल जाए आपको, या लड़की के साथ कोई भी प्रूफ मिल जाए तो उसकी छानबीन की जाए। आज कहाँ पे आई थी आप? यहीं पे आए थे हम, सीडीएम साहब के पास। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।